अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो मैंने बनाने नहीं थी, लेकिन आजकल चल ही बस ये रहा है। आज डेट है 26, तो अफसोस हो रहा है, बेहद अफसोस हो रहा है, अपनी कौम पे अफसोस हो रहा है, बहसीयत एक मुसलमान अफसोस हो रहा है। अफसोस इस वजह से हो रहा है कि हमारा लेवल इतना गिर गया है कि हम एक ड्रामा, एक करेक्टर, उसको ले के बच्चे से ले के बूढ़े तक सबके सब रो रहे हैं। और हालात हमारे मीडिया का क्या है कि हमारे मीडिया पे इस चीज़ की, एक ड्रामे की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। फलां एक्टर को वो जो वो था करेक्टर, वो उससे इंतकाल कर गया। लोगों ने मतलब अपना बिजनेस बना लिया, टिकटॉक बढ़ रही पड़ी है, यूट्यूब पे वीडियो पे वीडियो। और कुछ साहिबों का लेवल ये है, साहिबान का, कि कुछ औरतें ये कह रही हैं कि आए रोज़ जो मर्द करता है वो बीवी सहती है, और जो बीवी ने एक दफ़ा कर लिया वो मर्द नहीं सह सका। मतलब एक नेगेटिव, जो मतलब जो कोई कमेंट्स कर सकता था उसने किए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हम एक मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हर एक को फख्र होना चाहिए। सेकेंडली बात ये है कि मैं मौलवी हजरात की बात करता हूँ कि जिनको मुहर्रम अल हराम में नबी पाक के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोया जाए, ग्रिया किया जाए, तो वो कहते हैं कि ये बिद्दत है नबी पाक के नवासे पे। और आज वो मौलवी, किसी का कोई फतवा नहीं आया, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, तो लोगों का भी इतना कसूर नहीं है। जो हमारे दीन सिखाने वाले हैं वो ही मतलब जिन लोगों को रास्ते पे नहीं ला रहे, क्या हो सकता है। और उसका लेवल क्या है ड्रामे के डायलॉग्स का, कि मैंने सुना कि कुछ तो उसके डायलॉग्स ऐसे हैं कि बंदा जो गैरतमंद है वो फैमिली में बैठ के नहीं देख सकता। और मुझे नहीं पता इस ड्रामे का मकसद क्या है, लेकिन जो भी है इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। अभी नहीं तो बाद में ज़रूर आप देखिएगा इसके असर जो माशरे हमारे पे पड़े हैं। सर, एक बच्चा अपने बाप को समझा रहा है, छोटा सा बच्चा अपने बाप को समझा रहा है, और बाप जो है वो बच्चे की बात नहीं समझ रहा। सर हो क्या रहा है? तो हम लोग इतने क्यों गिर गए हैं इतने हम लोग? मेरे कसम से इस पर कोई जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था इस पर वीडियो बनाने का, लेकिन यार YouTube जहाँ पे देखो, TikTok, YouTube, कोई भी सोशल ऐप आप उस पर देखें, बस यही चल रहा है। यार क्यों ऐसे है, क्यों? तो यार सोचना चाहिए, हमारी आवाम को सोचना चाहिए, और वालदैन को सोचना चाहिए अपने बच्चों के बारे में। पर कैफ जो भी है, लेकिन ये एक ड्रामा था, इसको एक ड्रामे की हद तक ही रखें। लेकिन बात करने का मकसद ये था कि मैं सिर्फ आपको ये लेवल चेक करवाना चाह रहा था कि लेवल क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात ज़रूर समझ आएगी। फिर भी अगर मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। और ये है कि वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को एटलीस्ट इस तरह की लानत से दूर रखें और उनको दीन की तरफ लाएँ। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।